अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज आपको इस्लामाबाद में मौजूद सैकड़ों साल पुराने सैदपुर गांव की सैर कराते हैं। नाज़रीन, मारगला रोड पर मौजूद ये दरख्त सैकड़ों साल पुराना है। इस जगह पर इमाम बरी सरकार ने चिल्ला काटा था। इस दरख्त की एक हिस्ट्री है। मारगला रोड से लेफ्ट साइड पर ये रोड सैदपुर गांव की तरफ जा रहा है। सैदपुर गांव की मुख्तसर सी तारीख बताते हैं आपको। सैदपुर गांव तकरीबन 700 साल पुराना है, जो अभी तक इस्लामाबाद में मौजूद है। सैदपुर गांव 1530 में मिर्ज़ा फ़तेह अली ने दरियाफ्त किया। इस वक्त गांव का नाम दरियाफ्त करने वाले फ़तेह अली के नाम पर फ़तेहपुर बावली रखा गया। शेर शाह सूरी के ख़िलाफ़ जंग में सैद खान गखड़ के ख़ानदान की खिदमत के बाद शहनशाह अकबर ने यह गांव सैद खान गखड़ के हवाले कर दिया और यूं इस गांव का नाम सैदपुर गांव पड़ गया। सैदपुर गांव बहुत ही खूबसूरत और प्यारा गांव है। यहां के लोग माल मवेशी पाल कर अपना गुजारा करते हैं। सैदपुर गांव में मॉडल स्कूल भी मौजूद है। यहां पर क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए क्रिकेट ग्राउंड भी बनाया गया है। गांव में एंट्री के लिए पुराने दौर का ये गेट भी मौजूद है। जिस तरह पुराने दौर में कलों या गांव वगैरह की हिफाजत के लिए गेट बनाए जाते थे, तो ये गेट अभी तक मौजूद है यहाँ पर। इस गांव का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट देश परदेश रेस्टोरेंट है। यहां पर लोग बड़ी दूर दूर से खाना खाने के लिए आते हैं। इस रेस्टोरेंट का व्यू बहुत ही प्यारा और खूबसूरत है। यहाँ पर सैकड़ों साल पुराना ये छोटा सा मंदिर भी मौजूद है, अभी तक वैसी हालत में मौजूद है। इस मंदिर का अंदरूनी नज़ारा करवाते हैं आपको। यहाँ पर बुत वगैरह तो मौजूद नहीं है, लेकिन बिल्डिंग वैसे ही मौजूद है जिस तरह पहले बनाई गई थी पुराने दौर में। ये जी मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, ये इसके अंदर का नज़ारा है। मंदिर के बिल्कुल साथ ही उसी दौर की एक हवेली भी मौजूद है। पुराने दौर का फन तमीर बहुत ही दिलकश और खूबसूरत आर्ट के साथ बनाया गया है। दरवाज़ा चेक करें, बहुत ही खूबसूरत है, लकड़ी का दरवाज़ा बना हुआ है। ये इस मंदिर का फ्रंट है जी, जहाँ पे मंदिर में इंटर होने के लिए मेन दरवाज़ा ये था, जो अभी बंद कर दिया गया है।
ये ऊपर एक और हॉट स्पॉट के नाम से फूड पॉइंट है। इसका नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत, सामने बिल्कुल सरसब्ज पहाड़ हैं, ये साइड पे नीचे मंदिर है, मंदिर के पीछे हवेली है, बहुत खूबसूरत नज़ारा। मंदिर के सामने अब ये देश पर देश रेस्टोरेंट तामीर किया गया है। गांव के बिल्कुल साथ ही सामने गांव के अंदर से रास्ता जाता है, बिल्कुल करीबी ये पहाड़ हैं। थोड़ी सी हाइकिंग करते हैं 15-20 मिनट, देखते हैं कहां तक पहुंच पाते हैं। इस पहाड़ की चोटी पर तो नहीं पहुँचे हम, लेकिन यहाँ पर बीच में ये देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना खूबसूरत ये पूरा इस्लामाबाद नज़र दिखाई दे रहा है। ये इस गांव का क्रिकेट ग्राउंड है जी, इसको मरगजार क्रिकेट ग्राउंड कहते हैं। ये सामने इस्लामाबाद की मशहूर तरीन बिल्डिंग सेंटोरस है। नीचे से छोटी सी गार दिखाई दे रही थी, इसके करीब पहुंच गए हम। ये है जो गार जो नीचे से दिखाई दे रही थी। नज़ारा भी बहुत प्यारा है और मौसम भी बहुत अच्छा है। आप जब भी इस्लामाबाद आएँ तो इस गांव का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।